नमस्कार प्यारे बच्चों, आज तो जैसे सुबह सुबह और कल शाम से या दोपहर से जो माहौल बना हुआ है वो बड़ा चिंता का और संवेदनशील विषय है। और आज स्वागत करने का भी वास्तव में दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जिस उम्मीद से ग्रुप 56 के बच्चों ने पिछले लगभग 10 महीनों से तैयारी की थी और HSC 1 पेपर तक नहीं बना पाई, इससे अच्छा पेपर तो कोई किसी को गली वाले को दे दिया जाता, वो भी इससे अच्छा पेपर बनाकर दे देता। एक पेपर सही से नहीं बनाया गया, और लेकिन माननीय चेयरमैन साहब इसकी जिम्मेवारी लेते नजर नहीं आ रही है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, एक ट्रेन दुर्घटना के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं कहीं ना कहीं इसमें फेल हो गया। और दूसरी तरफ हमारा कमीशन है जो आगे आज देखना वो ये कहने पर तुलेगा कि इसमें ना हमने कमीशन को अलग से पेपर दिया हुआ, उसकी प्राइवेसी है, हम चेक नहीं कर सकते, यानी कमियां है ना उनको स्वीकार नहीं करेगा। वेन यू आर रॉन्ग एडमिटेड। और हरियाणा का मैं कहूंगा सबसे शर्मनाक कमीशन HSSC बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि पेपर से 2 दिन पहले युवा दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। और उस दिन देखो, एग्जाम से 1 दिन पहले जब एग्जाम पर स्टे हुआ था तो चेयरमैन साहब को सामने आकर वीडियो रिलीज करना था। कई बच्चे जा चुके थे, कई गए भी नहीं थे, और कईयों को लग रहा था पेपर होगा, कईयों को लग रहा था नहीं होगा। उस टाइम चेयरमैन साहब का हक नहीं बनता था, एक वीडियो रिलीज कर देते, किसी के पास भेज देते, वो सर्कुलेट हो जाती कि बच्चों को पेपर देने जाना है या नहीं जाना है। 12 बजे नोटिस डालते हैं ये, और लगभग बच्चे पंचकुला से वापिस आ गए थे। फिर नोटिस आता है कि कल दोबारा पेपर होगा, क्या हाल कर दिया। जब बारिश होती है तो सर वीडियो बना देते हैं, लगता है किसी और के खेत में भी बारिश हो रही होगी। वैसे वीडियो बच्चों के लिए क्या नहीं रिलीज कर सकते थे? और ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब इस पर कोई एक्शन लेते नजर आ रहे। अगर CET क्वालिफाई हो जाता तो दिक्कत क्या थी? बच्चों की छंटनी तो पहले से ही हो चुकी थी। अब खुद ये कहते हैं कि इतने ग्रुप है, इसमें तो सभी क्वालिफाई बच्चे एग्जाम देंगे, तो कुछ ग्रुप के बच्चों को क्यों अलग किया? आपने बच्चों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल दी है। अब जो CET क्वालिफाई वाला गैंग कहते हैं लोग कि वो अलग गैंग हो गया है, टॉपर वाला अलग गैंग है, ये भोले वाले बच्चे कुछ जानते नहीं है। इनके बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी। माननीय चेयरमैन साहब अभी भी सामने आइए। मैं कहता हूँ ग्रुप 57 का एग्जाम आपने अच्छा लिया था, ठीक है, लेकिन ग्रुप 56 में 42 42 क्वेश्चन, उसका क्या होगा जिसने वो सॉल्यूशन देखकर नहीं गया? उसके साथ तो बहुत ज्यादती होगी ना। तो मैं कहूंगा ये 56 ग्रुप का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और ये होगा तभी जब सारे बच्चे है ना, टॉपर्स को भी आप अपने साथ मिलाओ, CET क्वालिफाई को भी अपने साथ मिलाओ, सारे बच्चे एक साथ मिलकर एक मन से। टीचर तो देखो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब CET क्वालिफाइंग की मुहिम चली, लगभग 90% टीचर आपके साथ है, वो आगे भी आपके साथ है रहेंगे, लेकिन ना एक यूनिटी के साथ है, क्योंकि आप भी अलग ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। ये CET टॉपर का है, ये क्वालिफाई का है, फिर सरकार को तो लग रहा है जो चाहती है सारे बच्चे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आओ। और उसके बाद है ना, अध्यापक तो आपके साथ है रहेगा। आज क्या क्या खामी आई है, बड़ा शर्मसार बड़ा दिल दुखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में बड़ी गड़बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में 41 सवाल ग्रुप 56 की परीक्षा से रिपीट रिपिक्स बोला, न्यायिक जांच कराई जाए, कार्रवाई भी हो। और इसमें ना अन्य 61 ग्रुप की परीक्षाएं अब 19 20 अगस्त और इसके बाद तय की जाने वाली तारीखों में होगी, और अभी भी बच्चे 19 20 वाले तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। HSSC को बर्खास्त करने की मांग, मैं कहता हूँ CET के लफड़े को ही खत्म कर दिया जाए नए सिरे से। पहले है ना, जिसका ग्राम सचिव का अच्छा नहीं होता, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर लेता बेचारा लग जाता, इनको पेपर लेना ही नहीं आता। इससे अच्छा है तो NTA पेपर 2 मत ले, एक ही पेपर ले ले, चाहे NTA ले ले, जींद में जाली पेपर तैयार कर आंसर की भेजकर पैसे अड़ने वालों का गिरोह गिरफ्तार। और कहीं ये भी सूची आई है कि इसमें ना मतलब है बच्चों से क्या लिए गए हैं, पैसे भी लिए गए, पेपर भी लीक था। तो ये सारी खबरें है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इसी विवादों में 1 दिन पहले परीक्षा के 41 फर्जी प्रश्न पेपर तैयार किया, मुख्य अध्यापक सहित 3 काबू हो गए। मोबाइल चेयरमैन साहब का मोबाइल बंद आ रहा है, 32 सवाल दोहराए गए थे, ठीक है। CET की मुख्य परीक्षा में हिंदी, इनसे हिंदी तो लिखी नहीं जाती,
हिंदी भाषा देखो, एग्रीकल्चर ये गलत लिख दिया, आवंटित गलत लिख दिया, साइकिल इंटरनेशनल, महर्षि जो गुरु होते हैं महर्षि दयानंद जी, उनका भी नाम गलत लिख दिया, ठीक है। ये देखो नभ छोर भी गलत लिख दिया। ये पेपर करवाते किससे हैं, जिस कमीशन को पूरा हरियाणा देखता है उसमें ये इतनी गलतियां, और अगर बच्चों से एक है ना रोल नंबर में गलती हो जाए और या इनकम में गलती हो जाए तो फिर कहते हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखो ये कैसा कमीशन है, ग्रुप 100 में से 41 क्वेश्चन एक दिन पहले हुई परीक्षा से ये इसमें डाले गए हैं। जींद में पेपर लीक करते 3 गिरफ्तार, पूरा का पूरा सीटी पास करवाने के रेट 5 लाख रुपए, केवीएस परीक्षा पास कराने का ये गिरोह है। अब है ना इसे रणजीत सुरजेवाला ने युवाओं की जी कहा कि युवाओं की सीटी ने जिंदगी बर्बाद कर दी है, चलो पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा। ग्रुप सी के 2 ग्रुपों में 56 और 41 सवाल क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब को सामने आओ और ये पेपर है ना ग्रुप 56 का आपको दोबारा लेना होगा। एक ही विकल्प है, आप एचएसएससी की या एचपीएससी की तरह गए थे तो उसमें प्रीलिम्स में था, उसमें मेरिट में कोई इफेक्ट है नहीं पड़ा था। अब या तो आप चाहते हो कि बच्चे है ना अब जो ग्रुप डी में भी बच्चों का ध्यान ना जाए, वो है ना आंदोलन करे कहीं पर, प्रोटेस्ट करे और वो घूमते रहे, ठीक है। और ये अगर ये एग्जाम सही से ले लेता जिसका अच्छा नहीं होता वो दिल्ली पुलिस का या एसएससी की तैयारी कर सकता था, ग्रुप डी की तैयारी कर सकता था, लेकिन आपने तो बच्चों को उस लायक भी नहीं छोड़ा। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि कृपया वो एक मंच पर आइए, और सभी टीचर आपके साथ है इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। अगर किसी भी टीचर के पास जाना पड़ेगा तो हम आपस में सभी टीचर अच्छे, मतलब उनके बीच में अच्छी फीलिंग है, गट्स फीलिंग अच्छी है, ठीक है, तो वो आपस में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी टीचर में आपस में भेदभाव नहीं है, इस चीज को आप मानिए, ठीक है। वो आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, वो बात कर लेंगे आपस में हम, और आपके कोई भी एक, मतलब एक राय होनी चाहिए, दो राय होगी ना तो ये मामला बिखर जाएगा। तो यही आपसे कहना था कि चेयरमैन साहब अब बच्चों का इम्तिहान लेना आप छोड़ दीजिए, या तो लाल बहादुर शास्त्री जी वाली बात दिखाइए कि आप अपनी गलती मानिए और इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा चलो आप नहीं देते हो तो इस पेपर को कैंसिल कीजिए, और आने वाले टाइम में ना अच्छे से जल्द परीक्षा कराई जाए, ताकि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद है ना हो। और हम बच्चों आपके साथ सदैव थे, सदैव है और सदैव रहेंगे, लेकिन कल रात से अच्छे से नहीं नींद आएगी। नींद कैसे आएगी जब बच्चा अच्छे से नहीं सो पाएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी प्यारे बच्चों, आपसे यही कहूंगा, ज्यादा आप पैनिक मत हो, जितने पैनिक आप हो उतने पैनिक आपके अध्यापक भी है। थैंक यू बच्चों।